तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सीयूईटी का सेकंड फेज का प्रेफरेंस राउंड अभी चल रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा ना कि साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। नॉर्थ कैंपस को सबको पता है, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन साउथ कैंपस का एक्चुअल में जो कॉलेज है वो कौन सा अच्छा है। यहाँ पे आपको NIRF रैंकिंग जो है उसको लेकर मैं यहाँ पे बेसिस बनाकर नहीं बताने वाला हूँ, जो एक्चुअल DU में रैंकिंग चलती है उसको उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ और कौन सा कॉलेज क्यों अच्छा है ये भी आपको मैं एक आइडिया देने की कोशिश करूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब गौरव दरहा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिए, यहाँ पे हम साउथ कैंपस के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं गर्ल्स कॉलेज को भी ऐड करूंगा और आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे या फिर बता दूंगा कि ये गर्ल्स कॉलेज है। तो सबसे पहले जो नंबर वन कॉलेज है साउथ कैंपस का वो है आपका लेडी श्रीराम कॉलेज। और अब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं इसे साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज कहूँ या फिर इंडिया का बेस्ट कॉलेज कहूँ, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी और NIRF रैंकिंग जो आती है आपकी उसके अंदर भी ये कॉलेज काफी अच्छी रैंकिंग पे आता है। तो LSR कॉलेज जो है, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है, वो नंबर वन रैंकिंग पे आता है साउथ कैंपस के अंदर। दूसरी जो रैंकिंग है हम दे सकते हैं गार्गी कॉलेज को। गार्गी कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है और ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरी जो रैंक है वो हम देंगे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वेंकी बोलते हैं। तो वेंकटेश्वर कॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, साउथ कैंपस में आता है और मेन जो साउथ कैंपस का एरिया है वहाँ पे ये कॉलेज जो है आपका मौजूद है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास ही है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है और ये हमारे तीसरे नंबर पोजिशन पर आता है। अगर हम बात करते हैं हमारे चौथे नंबर के कॉलेज की, तो जो चौथा नंबर पर कॉलेज है हमारा वो है कमला नेहरू कॉलेज, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। गार्गी कॉलेज के जस्ट बगल में ये कॉलेज आपका मौजूद है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे पाँचवें नंबर के कॉलेज की, तो देखिए पाँचवें नंबर पर पहले यहाँ पर आता था शहीद भगत सिंह का मॉर्निंग कॉलेज, लेकिन अब ये जगह जो है वो जा चुकी है ARSD कॉलेज को। ARSD कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस का और ये भी साउथ कैंपस का जो मेन कैंपस है उसके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ARSD कॉलेज जो है हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है। सिक्स नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है आपका DCAC कॉलेज। तो DCAC कॉलेज भी हमारा जो है काफी अच्छा कॉलेज है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये कॉलेज काफी अच्छा है। उसके बाद जो कॉलेज आता है वो है आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज की यहां पे बात हो रही है। तो सेवंथ नंबर पे या कह लीजिए कि जो DCAC कॉलेज है और शहीद भगत सिंह कॉलेज है वो दोनों अच्छे कॉलेज हैं और शहीद भगत सिंह भी कॉमर्स के लिए काफी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स काफी अच्छी होती हैं, तो ये कॉलेज भी आप अपनी ऑप्शन में रख सकते हो। यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां पे तीन गर्ल्स कॉलेजेस की बात की है, एक है लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज। बाकी बॉयज कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज जिसे हम कोएड कॉलेज बोलते हैं वो है, तो आप लोग जितने भी बॉयज हैं इस चीज का ध्यान रखिए। आठवें नंबर पर जो कॉलेज आता है उसका नाम है मैत्रेयी कॉलेज। ये एक गर्ल्स कॉलेज है और इसकी भी फैकल्टी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, लोकेशन भी काफी अच्छी है कॉलेज की। और जो नौवें नंबर पे कॉलेज हमारा आता है वो है आपका दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज भी काफी अच्छा कॉलेज है और कॉलेज की लोकेशन आपको काफी पॉश एरिया में मिल जाएगी, जो हमारा सेंट्रल दिल्ली का एरिया जहां पे इंडिया गेट ये सब जो है चीजें मौजूद है वहीं पे आपको ये कॉलेज की लोकेशन मिल जाएगी। और टेंथ नंबर पे आप दे सकते हैं आर्यभट्ट कॉलेज को, जो कि एक काफी अच्छा कॉलेज है। बाकी कॉलेजेस की लिस्ट अगर आपको चाहिए, रैंक वाइज आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं कि हाँ ये कॉलेजेस को हमें प्रेफरेंस में रखना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सारी वीडियोस जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।